दोस्तों, पाकिस्तान के इंटरनेट को एक तरीके से शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि ना लोग वहाँ पर फेसबुक चला पा रहे हैं, इंस्टाग्राम चला पा रहे हैं, ना एक्स चला पा रहे हैं, ना यूट्यूब चला पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी तरीके से पाकिस्तानियों को दूर रखने की कोशिश कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री, जो भी है। वो कोशिश ये कर रही है कि कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर ना जा पाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया और कई सारी वेबसाइट्स के इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाएँ और छोड़ें कि भाई छोड़ क्या ही इस पर देखना है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शायद पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, वो कोई वर्चुअल प्रोटेस्ट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर सोशल मीडिया को टारगेट किया गया कि वहाँ तक लोग बाग ना पहुँच पाए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था तो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दंगे भड़क गए थे, तो शायद उस वजह से भी ये सारी चीज़ें की गई हैं पाकिस्तान के अंदर। और एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जो कि इंडिया का मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसको किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है, पॉइजन दे दिया है, तो उसकी वजह से वो कराची के हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जहां पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और शायद वो इस दुनिया के अंदर ना रहा हो या फिर बच गया हो। कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अभी तक यही नहीं एग्जैक्ट पता कि दाऊद इब्राहिम लगता कैसा है, दिखता कैसा है। जो उसकी लेटेस्ट फोटो है वो तो किसी को दिख ही नहीं रही है, तो इस वजह से ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदा है या मर गया है, लेकिन जहर दिया गया है किसी अननोन पर्सन द्वारा, जिसकी वजह से वो कराची के हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में है। दोस्तों, एक बार गोप्रो की ये इमेज देखो, जिसके अंदर आपको जो बीम है या पिलर है, थोड़े से कर्व देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोप्रो में ऐसा होता है, फिश आई वाला इफेक्ट आ जाता है जब आप कई इमेज या फिर वीडियो बना रहे होते हो, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड एंगल वाला रहता है, तो उस वजह से इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर एक्शन कैमरा होता है, लेकिन नासा ने 51 साल पुरानी एक इमेज दिखाई है, जो कि मून के ऊपर कैप्चर करी थी, जिन्होंने बताया कि 51 साल पुरानी इमेज है, जहां पर अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट ने मून पर ये फ्लैग लगाया था। और ये जो फ्लैग में आप वेव्स देखोगे, वो दरअसल हवा नहीं है, इसके ऊपर हमने स्टील की रॉड भी लगा रखी है और ये सलवटें आ रखी हैं इस कपड़े के ऊपर, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हवा चल रही होगी वहां पे, जबकि वहां पे हवा है नहीं। तो यहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो मून का कर्वेचर पीछे देखने को मिल रहा है, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि भैया सब कुछ ठीक है, कर्वेचर भी काफी ज्यादा देखने को लग रहा है, लेकिन वो जो रॉड है उस झंडे की, वो हल्की सी भी टेढ़ी क्यों नहीं है उस इमेज के हिसाब से, जिस तरीके की वो कर्वेचर वाली इमेज है। दोस्तों, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक बात साफ साफ कह दी है कि ड्राइवरलेस कार इंडिया के अंदर कभी भी अलाउड नहीं की जाएगी। आप कहोगे हाँ भाई, कैसे अलाउड की जाएगी, यहाँ पर इतना भीड़ भड़क कर रहता है, लोगों को ये नहीं पता कि सिग्नल कैसे क्रॉस करने, क्या नहीं करने, और कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है, जिसकी वजह से ड्राइवरलेस कार यहाँ पर चल भी नहीं सकती। लेकिन इन्होंने एक और रीज़न देते हुए कहा है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स की जॉब है वो चली जाएगी अगर ड्राइवरलेस कार इंडिया के अंदर आती है, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने कहा है कि ये भी एक रीज़न है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि टेस्ला को हम वेलकम करते हैं, लेकिन इंडिया की शर्तों पर ही उनको आना होगा। ये नहीं कि भैया हमारे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए, दो सालों तक हमें इतनी कारें लाने दी जाए, हमें बेचने दी जाए, हमें टेस्ट करने दिए जाए, उसके बाद हम 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इंडिया के अंदर, अपना टेस्ला प्लांट भी सेटअप कर देंगे, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो भैया कहा है कि जैसे रूल्स हैं वैसे ही चलने चाहिए, और ड्राइवरलेस कार की अभी इंडिया को जरूरत नहीं है। दोस्तों, जापान के रिसर्चर्स ने दुनिया की सबसे पहली मेंटल इमेज को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया है ब्रेन एक्टिविटी के द्वारा, जहां पर AI का भी इन्होंने यूज किया। इसमें हुआ क्या कि इन्होंने कई सारे पार्टिसिपेंट्स को पहले इमेज दिखाई, कई सारी, उसके बाद में किसी एक पार्टिसिपेंट को बुलाया और उसके ब्रेन की एक्टिविटी को इन्होंने स्कैन करके AI के द्वारा ये पढ़ने की कोशिश करी कि ये क्या सोच रहा है इस वक्त में अपने दिमाग के अंदर, कौन सी इमेज के बारे में सोच रहा है, जहाँ पर ईयर, माउथ और कुछ चीज़ों से बना बनू के कुछ ये तरीके की इमेज बनी, जो कि किसी लेपर्ड से मिलती जुलती बता रहे हैं ये, जहाँ पर ये ब्रेन डिकोडिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कितनी एक्यूरेट है वो तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ मतलब 50% तक ये अपना काम कर रही है। दोस्तों, वैसे तो एयरप्लेन हमेशा हवा की वजह से ही उड़ता है और उसके इंजन की ताकत की वजह से उड़ता है, लेकिन अर्जेंटीना के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रोम आया कि उसने ऐसा क्योस मचाया कि प्लेन अपने आप में ही हल्का सा लिफ्ट हो गया और उसके बाद में दूसरे प्लेन की तरफ वो टकरा गया। ये प्लेन बोइंग 737-700 था, जो कि ऐसे मुड़ गया जैसे कि कोई कागज़ का प्लेन हो और किसी ने फूंक मार दी हो। तो मतलब नेचर के आगे बड़े से बड़ा प्लेन, बड़े से बड़ी बिल्डिंग कुछ नहीं है। दोस्तों, केरला के अंदर से कोविड के कुछ केस निकल कर आए हैं सामने, जहां पर सब वेरिएंट JN
डॉट वन को यहाँ पर कल्प्रेट कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्नाटका ने कह दिया है कि 60 साल से उम्र के हर व्यक्ति को अब मास्क पहनना कंपलसरी है, और ख़ास तौर पे अगर किसी को किडनी, लंग या हार्ट डिजीज़ है तो भैया उसकी एज कितनी हो उसको तो मास्क पहनना ही पहनना होगा, क्योंकि हमारी नेबर स्टेट के अंदर कोविड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप कहोगे यार कोविड के केस बढ़ तो रहे हैं लेकिन भाई इतने भी नहीं हुए कि मतलब हम डर के मास्क पहनना ही शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको बता दूँ 2020 में एक कैनेडियन महिला है जिनका नाम है ट्रेसी थॉम्पसन, उनको कोविड हुआ था पहली बार 2020 के वक्त में जब ये आया था, और तब से लेकर अब तक ये कोविड से उभर नहीं पाई है। ये 22 घंटे बेड पर ही रहती हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए ये मुश्किल से मूव कर पाती हैं, और इनके लिए इनक्योरेबल डिजीज़ बन चुका है जिसकी वजह से इनकी सारी लाइफ सेविंग और जितनी भी लाइफ की हैप्पीनेस थी वो सारी जा चुकी हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट से गुहार करी है कि मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे कि आदमी ये दुनिया छोड़ कर चला जाता है, क्योंकि अब तंग आ चुकी हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि ये कोविड जा नहीं रहा है इनको छोड़ के। तो मतलब इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है।